एसक्यूएल सर्वर की हमारी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था एसक्यूएल कैसे क्या कैसे डाउनलोड वगैरह होंगे। दूसरी क्लास में हमने आपको डेटाबेसेस और डेटाबेसेस को लोड कराना सिखाया था, डेटाबेस क्रिएट कराना और डेटाबेस को फाइल्स को इंपोर्ट कराना सिखाया था, राइट? ठीक है सर। और हम बात करेंगे आज टेबल की कनेक्टिविटी कि हम टेबल कैसे कनेक्ट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे सर। तो जैसे किसी डेटाबेस में आप तो इंपोर्ट करते हो, तो भाई कोई एक्सेल की फाइल है, सीएसवी की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, वो आपको यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप इंपोर्ट करते हैं टेबल यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ टेबल आ गया। और इस टेबल को हम राइट क्लिक करके स्टॉप सिलेक्ट 100 करते हैं तो मुझे यहाँ इसका डेटा भी दिख जाता है। पर प्रॉब्लम आती है कि आप खुद की टेबल कैसे क्रिएट करोगे, एक नई टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, राइट सर? तो नई टेबल जिस डेटाबेस में क्रिएट करनी है उस पर राइट क्लिक करें और चले जाएं यहां और एक मिनट, डेटाबेस पे कर दिए ना, टेबल पे करना ना, टेबल पे करें और न्यू पे क्लिक करें, ठीक है? और न्यू पे जाकर टेबल क्रिएट करें। जैसे टेबल क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह का आपको मेनू दिखेगा। इसमें कॉलम का हेडिंग, डेटा टाइप और इसमें ब्लैंक होगा कि नहीं होगा ये फीचर सिलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट किया, आईडी क्या है तो यहां पे मल दिया कि नंबर है, क्या है, नेम से एच चला तो क्या हो गया, नंबर एंड करेक्टर। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक डाल दिए, क्या डाल दिए, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी हो सकता है। और यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपके पास डेटा टाइप्स आएंगे कि बिट है, डेट है, डेट एंड टाइम है, फ्लॉट है, ज्योग्राफिकल है, इंट है या लॉन्ग इंट है, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर आता है। तो इसमें आप नंबर न्यूमेरिक कर दीजिए जो लॉन्ग इंट होगा, तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं कि भाई इंटीजर है, क्योंकि नंबर है इसलिए इंटीजर है, ठीक है। हेलो, क्लास में हो, यहाँ पे हम देते हैं नेम, नेम और यहाँ पे एन कैर में नंबर और करेक्टर दोनों ले सकता है। यहाँ पे आप कैर भी डाल सकते हो। अब कैर के अंदर जो आप देख पा रहे हैं जो दिया हुआ है 10, इसका मतलब हुआ कि आप इसके अंदर इसका लेंथ क्या रखना चाहते हैं। तो नेम है इसलिए मैंने 50 दे दिया कि इसका लेंथ जो है वो 50 है। फिर मान लीजिए यहाँ पे सिटी करते हैं तो सिटी भी हमारा कैर है और यहाँ पे हम 50 दे देते हैं इसका भी। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर में मैं यहां पे एन कैर देता हूं क्योंकि मोबाइल नंबर में तो नंबर और कैरेक्टर दोनों होता है ना, तो यहां पे एन कैर कर दिया। तो हम आप बोलेंगे सर यहां पे नंबर क्यों नहीं किया, देखिए नंबर की जब करेंगे तो नंबर में एक लिमिटेशन होती है, उसके बिहाफ पे चलता है नंबर, एक नंबर में क्या होता है लिमिटेशन होता है, इसलिए वो जो चलता है एक पैटर्न पे चलता है। तो जो भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है, क्या होता है, नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है, उसको हम लोग एन कैर के अंदर डालते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट में मैं यहाँ इंट डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ, इंट डाल सकता हूँ, बट इंट जब मैं डालूंगा तो डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या डाल देते हैं, फ्लॉट में डाल देते हैं, ओके। अब सबको अलाउ अलाउ लर्न कर नल कर दिया, हम इसको आईडी को बोलते हैं कि भाई नहीं, आईडी तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसको डालना जरूरी है उसको आप अनक्लिक कर दे, जिसको डालना जरूरी है उसको उसको आप क्लिक कर दे, ठीक है। तो हमने एक टेबल क्रिएट किया और टेबल में मैंने इसको सेट प्राइमरी की कर दिया आईडी को, क्यों, राइट क्लिक करके हमने क्या किया, सेट प्राइमरी की। इससे क्या हुआ कि आप मेरा जो ए है आईडी है वो यूनिक हो गया,
इसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, किसी भी तरह का डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। अब इसको यहां से सेव कर देते हैं। सेव करते समय टेबल का नेम, तो टेबल के नेम में हम यहाँ पे सी डेटा के नाम से, क्रिएट डेटा के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू कैसे डालेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू हम कैसे डालें। ठीक है, तो आप यहां देखिए सी डेटा नहीं आ रहा है, एक बार मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करते ही हमारा सी डेटा यहां पे आ गया, आ गया। अब इसमें डेटा अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है तो राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें देखिए एडिट 200 टॉप 200 करके आएगा। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हम यहां पे टाइप कर सकते हैं कि वन, ठीक है, पूजा, चलिए पूजा यहां पे, पूजा सिटी में नोएडा, मोबाइल नंबर 8802579398 और अमाउंट 3000। ठीक है, जैसे एंट्री कंप्लीट हुई रेड निशान जो था वो हट गया। अब यहां पे क्या होता है कि एमएस एक्सेस में क्या होता है कि हम जो है कोई भी डेटा एक्सेल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते थे, तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है। देखिए एक ख्याल अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है, इससे पहले नहीं आया था, फिर भी हम यहां पे देख लेते हैं कि नेम सिटी अमाउंट, तो यहां पे 2 3 4 5 5 ही देते हैं, पूजा, और नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, सिटी पुणे सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, और अमाउंट 2000 दिए। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूं, तो पेस्ट करने से दिखा डेटा पेस्ट हो गया, लेकिन डेटा जो पेस्ट हुआ उसमें बिसिंग मिसिंग हो गया। तो कंट्रोल जेड करते हैं, अब यहां पे कंट्रोल जेड भी नहीं होगा, इसमें कंट्रोल जेड नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अपने डेटा में अमाउंट के बाद जो हमारा मोबाइल नंबर था वो इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके हम कॉपी, और यहां पे आते हैं पूरा टेबल सिलेक्ट करके यहां पे जनरली पेस्ट मार, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करते ही डेटा आपका स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर इसमें। कोई डाउट सर इसमें, इसमें सर कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, इसमें इसमें ए हो गई हमारा डेटा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर इसी चीज को टेबल क्यूरी से कैसे क्रिएट किया जाए, ये तो हमने आपको बता दिया इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। अब इसको क्यूरी के हिसाब से हम कैसे क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट टाइम में आप टेबल क्रिएट लास्ट टाइम जो हमने टेबल क्रिएट करते समय डेटाबेस को भी किया था। ठीक ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा सर, ब्रेक अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा है, नहीं अभी नहीं हो रही है, बीच में सब हुआ था। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हम यहां पे आते हैं न्यू क्वेरी पे।
न्यू क्वेरी में यहां हमें क्या देना होता है, पहले देना होता है क्रिएट, क्या देना होता है क्रिएट, क्रिएट के बाद टेबल, ठीक है, टेबल, और टेबल के बाद देना होगा आपको टेबल का नेम, जैसे हमने लिख दिया क्यू डेटा, ठीक है ना, क्यू डेटा। उसके बाद यहां ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहां पे देना होगा आपके वेरिएबल, जैसे कि हमने बोला आईडी, आईडी होगा वो होगा इंट इंटीजर, ठीक है ना, कॉमा, हमने बोला यहां पे कॉमा, फिर होगा यहां पे नेम, नेम में क्या होगा एनकैर, एनकैर 50 कॉमा, यहां पे हमने दे दिया अमाउंट, और अमाउंट पे हम दे देते हैं इंट, ठीक है, और फिर यहां पे बड़ा क्या एन कैरेक्टर का मीनिंग एन करेक्टर नंबर एन कैर, यहाँ पे कैर भी लिख सकते हैं, अगर एन कैर कैर लिख दीजिए कैर लिख लो, ठीक है। अब यहाँ इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, तो जो करेंट डेटाबेस हमारा एक्टिवेट था उस डेटाबेस के अंदर क्यू डेटा आ गया। अब इसको एक बार इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके कीजिए रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही टेबल के अंदर में क्यू डेटा आ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेटाबेस में हो तो इससे आगे आपको डेटाबेस का नाम लगाना पड़ेगा टेबल में, ठीक है ना, वो हम बताएंगे, ठीक है। क्रिएट टेबल समझ में आ गया, डाउट इसमें, नो डाउट। अब इसमें बारी आती है, हेलो क्या बोले, कुछ बोलो क्या, जैसे कि ये तो हमने हेडिंग बना दी है, डेटा इसके अंदर का जो कंटेंट है वो तो हाँ तो डालना पड़ेगा, उसको भी डालने का तरीका है। अब क्या है कि जब तक हम टेबल क्रिएट नहीं करेंगे तब डेटा कैसे डालें, हाँ क्या बिल्कुल सर, टेबल तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ अब जैसे कि आप यहाँ पे टेबल के ऊपर जो राइट क्लिक करेंगे, किसी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे कि हैंडिट हो जाता है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप इसमें आप अपलोड कर ले, ठीक है ना, अपलोड करने का अलग तरीका, आप चाहते कोई फाइल में डेटा है उस टेबल में आप अपेंड हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इंसर्ट क्यूरी चलाना पड़ता है, और थोड़ा सा है हम आगे उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके सर, ठीक है। तो आप टेबल क्रिएट करना सीख लिए, तो डाउट तो नहीं इसमें, नो सर नो डाउट, क्योंकि यहां अगर हम यहां राइट क्लिक करके अगर हम यहां पे करते हैं टास्क, और टास्क में यहां जो है आपका इंपोर्ट डेटा आता है, अगर हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे डेटा सोर्स चूज करते हैं, तो मान लीजिए हम एक्सेल चूज करिए, और यहाँ पे ब्राउज करते हैं, और मान लीजिए जो हमारा कोई डेटा है, ये डेटा है, ये आपका एक्सेल 2003 का फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने में यहां हमारे पास पहले से सीट वन है, तो सीट वन मुझे नीचे अपेंड करना है, एक्सेल लेते हैं, यहाँ पे माफ कीजिएगा एक्सेल ही ना, ये हमारा ये है ना एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल सर्वर। अब इसमें अगर हम पी डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, पी डेटा में करना है मुझे आईपीटी डेटा के अंदर, और इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्या है कॉपी डेटा फ्रॉम मोड व्यू, और यहाँ पे राइट दिस भी क्यूरी, आप यहाँ पे क्यूरी वगैरह यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, भाई यहाँ से डेटा क्यूरी हो जाए, लेकिन कॉपी डेटा वन एंड मोर टेबल टेबल्स एंड व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सीट वन का डेटा मुझे चाहिए, सीट वन का डेटा हमने ले लिया,
अब यहां पे क्या बोला, डेस्टिनेशन डीबीओ सीट वन दिख रहा है। यस अब इसकी एडिट मैपिंग पे अगर हम जाते हैं तो यहां पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहां पे दिख रहा है अपेंड रो फॉर डेस्टिनेशन टेबल दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सीट वन था वो पहले से अवेलेबल था, इसलिए इसने क्या किया अपेंड ले लिया। ठीक है, और फिर यहां पे हम इसको करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट और इसको करते हैं फिनिश। यहां पे वैलिडेशन में एरर आ गया, जिसमें एरर क्या है, ओ ओ एक मिनट एक मिनट। सर ये जो एरर आ पूरा पूरा डेटा इस पे अपलोड नहीं हुआ है। नहीं, एडिट मैपिंग पे हम आते हैं। तो यहां से आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं कि आईडी का डेस्टिनेशन क्या होना। और यहां पे दिख रहा है ना सर, यहां पे डेटा टाइप अलग अलग है, दिख यस रहा है ना। यस ये हमने गलत डेटा गलत चीज में डाल दिया है। यस यस अच्छा एक जी, अब यहां पे सीट वन जो है ना, सीट वन की जगह पे हम यहां पे डीवीओ आई एम पी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, आई एम पी नाम का एक सीट बनाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी सक्सेस हो गया 86 रो। ठीक है, तो अगर हम यहां पे इसको अभी इसको बताते हैं क्या करना है हमें। तो यहां हम करते हैं इसको रिफ्रेश, रिफ्रेश हो गया। अब टेबल में आ गए। अब मुझे आप देखेंगे कि मैं ये जो हमारा आईएमपी डेटा है, हमारा आईएमपी इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ 100 से लेके 185 तक का डेटा है, राइट। ठीक है सर, ये तो वही शीट में जो डेटा होगा वही हाँ होगा। सीट में जो डेटा था वही डेटा इसके अंदर में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर पहले सेम शीट सेलेक्ट किया था आपने, इसमें आ रहा है। जी, अब देखिए सॉरी, हाँ सेम सीट में नहीं, मैं किसी और सीट में सीट वन पे डाला था क्योंकि सीट वन के अंदर ऑल अलग डेटा है ना। देखिए जब भी आप स्टोर करते हैं ना तो नई नई सीट में स्टोर करते हैं या पुरानी सीट में स्टोर करते हैं उस देखा जाता है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये अलग डेटा था वो अलग डेटा था, तो कॉलम टू कॉलम मैच हुआ नहीं इसलिए डेटा डला नहीं। यस ठीक है ना, अब मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूं किसके अंदर, आईएमपी डेटा के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि यहां आप यहां पे कॉलम्स देख सकते हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। इसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। तो एक बार जी चेक कर लेता हूं, इसमें प्राइमरी आईडी तो नहीं है ना, इसे प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो प्राइमरी की नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे आईपी डेटा में हम करते हैं टास्क, टास्क में जाते हैं इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट। यहां से हम एक्सेल फाइल पे जाते हैं, ब्राउज करके डेटा वाली फाइल जो जो कि 2003 की फाइल है डॉट एक्सेल एक्स, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं, यहां पे डेस्टिनेशन में हम एसक्यूएल सर्वर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी हो गया। अब इसके अंदर हमें कौन सा सीट करना है, तो सीट वन करना है। अब यहां एडिट मैपिंग पे यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे नेम सीट नेम, तो हमने बोला कि मुझे आईएमपी पे डेटा चाहिए और मैपिंग वगैरह में आप देख सकते हैं कि कौन कौन को लाना है कौन कौन को नहीं लाना है, यहां से हटा सकते हैं। ठीक है ना, और यहां से क्या है अपेंड है, क्या है अपेंड है। यस अब ऊपर डिलीट कर दूंगा तो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, डिलीट करके फिर नया डाल देगा।
ठीक है, अगर नई एक्सेल होगा तो यहाँ पे क्रिएट, मतलब अगर मान लीजिए कि नई टेबल बनाया करना है तो ये आपको दिख रहा होगा क्रिएट डेस्टिनेशन टेबल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और हमने कर दिया फिनिश। अब देख रहे कोई एरर नहीं आया, नहीं आया ना सर। अब मैं अपने इसके अंदर जाते हैं, IMPT के अंदर जाते हैं और सिलेक्ट 1000 करते हैं, इसमें 100 दिख रहा है। बट इसमें डेटा एक ही आया, पूरा नहीं आया, क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया था। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें आना चाहिए था ना डेटा, तो सर एक मिनट। हाँ बढ़ गया ना सर, यहाँ पे 85 आ गया ना, 100 कुछ ही था ना डेटा, खोल के देख लीजिए, 86 समथिंग था ना, ये देखिए। सतासी है ना, देखिए 87 है ना, यहाँ देखिए कितना 87 रो है ना सर, और यहाँ यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया 172। तो तो डेटा सर मेन तो 1000 रो लिखा वो 1000 रो, मतलब कि जब बहुत बड़ा डेटा होता है उसमें से टॉप 1000 ऊपर के सबसे 1000 दिखाएगा। मुझे लगा कि 1000 पूरा तो 1000 का ही डेटा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। 1000 ये डेटा अभी तो 100 है ना, अगर डेटा ज्यादा बड़ा होता तो 1000 ही शो करता। तो दो चीज आपने सीख लिए, पहला तो आपने सीखा है कैसे टेबल कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल से, फिर मैंने आपको बताया कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर नॉर्मली डेटा एंट्री कैसे करते हैं, किसी एक्सेल या किसी अदर जगह से डेटा कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपका डेटा टेबल में डेटा अपेंड करना है, मतलब कि मान लीजिए कल का सेल था और उसमें आज का सेल भी आपने डाल दिया, तो कल और तो उसके लिए आप नई टेबल तो क्रिएट नहीं करेंगे, तो पुरानी टेबल में ही डेटा कैसे अपेंड करेंगे इसके बारे में आपने सीख लिया, ठीक है, क्लियर है, ओके गुड डाउट। और फिर मैंने हाँ एक बार करना पड़ेगा, फिर मैंने क्यूरी के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताया, ठीक है। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कर ले, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी स्लो चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी स्लो हो जाता हूं।